स्वयं शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। दिवाकर हौजी गर्ल्स वेयर मिलने का एकमात्र स्थान जहां मिलेगी फैंसी ड्रेस जीन्स टॉप लेगी कुर्ता प्लाजो कुर्ते वो भी नए नए डिजाइन में। एक बार अवश्य पधारें। बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। धूमधाम से हुई महाराज कृष्ण की 39वीं महाआरती। श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाओं ने हरे परिधान पहनकर किया नृत्य। मनाई हरियाली तीज। अग्रवाल समाज दमोह के द्वारा प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में महाराजा अग्रसेन की महाआरती का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 39वीं महाआरती का आयोजन किया गया। आरती करने का सौभाग्य नीलमा राजबहादुर अग्रवाल परिवार को प्राप्त हुआ। पंडित ब्रजेश पाठक के सानिध्य में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी व महाराजा अग्रसेन का पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद महाआरती हुई। प्रसाद वितरण किया गया। आरती में अग्रवाल समाज दमोह के अध्यक्ष रविशंकर अग्रवाल, रमा अग्रवाल, चिकित्सक जेपी पसारी, राम गोपाल अग्रवाल, प्रभु नारायण, गुरुदत्त, विनोद, डॉक्टर अशोक, सतीश, स्वप्नेश, अनिल, नंदकिशोर, सारस, सरस, अनमोल, अंकित, मयंक सहित बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के महिला पुरुषों की उपस्थिति रही। वहीं अग्रवाल महिला महासभा के द्वारा हरियाली तीज पर विभिन्न कार्यक्रम किए गए। प्रारंभ में गणेश वंदना हुई। तत्पश्चात विभिन्न प्रांतों के परिधानों पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 12 प्रांतों के परिधान पहने गए। इसके बाद सभी को पुरस्कृत किया गया। इसके बाद महिलाओं के डांस प्रतियोगिता हुई, जिसमें 15 महिलाओं ने डांस किया। इस दौरान प्रश्न मंच ग्रुप गेम हुए, जिसमें कोमल प्रथम, प्रीति द्वितीय, सीता रानी तीसरे स्थान पर रहीं। लकी ड्रा से हरियाली क्वीन बनी। महिलाओं ने बनाया कि आज के दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। आज के दिन वृक्ष, नदियां तथा वरुण देव की पूजा भी की जाती है। साथ ही अविवाहिता जिनके विवाह में अड़चन आती है, इस व्रत को करती हैं। महिला महासभा के द्वारा सजाती महिलाओं को इस अवसर पर हरी चूड़ी, मेहंदी, हरा परिधान पहनने को कहा जाता है। कार्यक्रम में प्रांतीय महामंत्री रमा अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल, रविशंकर अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, विकास, तारामणि, संगीता, आवा, सुषमा, अंजलि, निशा सहित अनेक महिलाएं मौजूद रहीं।
एक मिनट भैया, आज हरियाली तीज मनाई गई है महिला महासभा द्वारा। पिछले 10 वर्षों से हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा जाता है। कोरोना काल में भी इसको हमने ऑनलाइन मनाया था। इस कार्यक्रम में हरियाली तीज इसलिए मनाई जाती है, जब शंकर जी पार्वती जी ने घोर तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया था, इसी उद्देश्य से सभी पतिव्रता महिलाएं और सुहागन स्त्रियों का यह मुख्य त्यौहार है। वह भी अपने पति को के लिए यह व्रत रखती हैं। और कहना यह है कि यदि कुंवारी लड़कियाँ व्रत रखें तो उनको भी मनभावन पति मिलेगा। हरियाली तीज मनाने का मेन उद्देश्य है कि हमारी अकबाल समाज की महिलाओं की जो छिपी हुई प्रतिभा है वह सामने आए स्टेज पे और उसे हम सबके सामने ला सकें जो नहीं कर पाती हैं। और इसी के साथ हमने इस बार भारत के विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा के आधार पर फैंसी ड्रेस कार्यक्रम रखा, एकल नृत्य रखा, ग्रुप डांस रखा, प्रश्न मंच रखा और ग्रुप गेम रखे। इसके साथ सरप्राइज गेम भी है, हरियाली रानी भी बनाई जा रही है। और इसके साथ इसमें हमें विशेष सहयोग राजा मैरिज हॉल का रहता है और साथ ही महिला महासभा के पूरे पदाधिकारी और महासभा के सभी सदस्यों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। कार्यक्रम था पूरा सावन तीज के, उसमें कार्यक्रम रखा गया महासभा अग्रवाल महिला महासभा अग्रवाल महासभा के द्वारा, और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता थी, डांस थे और भी कार्यक्रम जितने भी रखे गए सबने बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न किए। महिला महासभा की ओर से हरियाली तीज का प्रतिवर्ष कार्यक्रम मनाया जाता है। इसमें सभी लोग ग्रुप गेम और फैंसी ड्रेस वगैरह डांस वगैरह करते हैं और इसमें सावन पेड़ों में पड़े झूले, सावन की फुहार, दमोहवासियों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ बधाइयाँ। इस वर्ष भी हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा गया है, इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। फैंसी ड्रेस कंपटीशन और प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं और आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।